हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश मिश्रा आप सभी लोगों का आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप आशा करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। हम यहां पर एक बार फिर से टेंस पर चर्चा करने के लिए यहां पर मैं आया हूं और हम लोग इस टेंस की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और टेंस जहां तक मैंने पिछले वीडियोज में मैं अब तक जो मैं पढ़ा चुका हूं उसमें मैंने सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मैंने पढ़ा दिया था और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वर्तमान समय में चल रहा था और वर्तमान समय में आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। जहां तक हम पढ़ चुके हैं उसके आगे से हम बातचीत करना शुरू करते हैं। तो अगर आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को अगर आप पूरे लगन से अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को तैयार कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि बाकी के जो 11 टेंस होंगे उसमें आपको बिल्कुल 1% कोई समस्या नहीं होगी। तो हम लेट अस टॉक अबाउट आवर टॉपिक्स। जैसे महेश आज मुझे गाली क्यों दे रहा है? महेश आज मुझे गाली क्यों दे रहा है? अब मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन करने का जो तरीका है वह सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। इतना तो आप जानिए, पहले कर्ता रखना है, फिर क्रिया रखनी है और फिर आपको यहां पर कर्म का भी प्रयोग कर देना है। जैसे कर्ता जो वाक्य में कार्य कर रहा है और उसके बाद जो क्रिया है, क्रिया का अर्थ मतलब है कि जो वहां पर कार्य हो रहा है, जैसे कि गाली देना यहां पर एक कार्य है और फिर यहां पर मुझे जो है वह ऑब्जेक्ट है। और अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहले हल करते हैं तो उसमें से हम प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के शुरू में रखते हैं, जिसे प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। वाई अब सहायक क्रिया है इज। सहायक क्रिया का प्रयोग मैं पहले ही बता चुका हूं स्टूडेंट्स कि सहायक क्रिया हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग प्रयोग की जाती है और कर्ता एक वचन है। आप जानते हैं एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज का प्रयोग किया जाता है। तो वाई इज अब कर्ता रखेंगे महेश। वाई इज महेश गाली देना मतलब की एब्यूजिंग। वाई इज महेश एब्यूजिंग मुझे मतलब मी आज मतलब टूडे। वाई इज महेश एब्यूजिंग मी टूडे। मेरी माता जी रसोई घर में भोजन कब पका रही है? मेरी माता जी रसोई घर में भोजन कैसे पका रही हैं? अब कैसे प्रश्नवाचक शब्द है कैसे। कैसे का मतलब हाउ। सहायक क्रिया इज माई मदर मतलब कि पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर कर्ता। ये आप जानते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट। अब पकाना मतलब कुक, इसमें आई कुकिंग भोजन मतलब फूड, कुकिंग फूड रसोई घर में इन द किचन। रसोई घर में मतलब इन द किचन। हाउ इज माई मदर कुकिंग फूड इन द किचन। बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं? बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं? तो क्यों की अंग्रेजी वाई। सहायक क्रिया आर क्योंकि बच्चे मतलब बहुवचन और बहुवचन के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम आर का प्रयोग करते हैं। वाई आर चिल्ड्रेन, वाई आर चिल्ड्रेन शोर मचाना मतलब मेक में आई एन जी मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज कक्षा में मतलब इन द क्लास।
Why are children making a noise in the class? अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों मतलब why is teacher? अब तुरंत रखेंगे नाट, फिर सहायक क्रिया रखेंगे, मतलब क्रिया रखेंगे, मुख्य क्रिया रखेंगे, पढ़ाना मतलब टीच, जिसमें लगेगा आईएनजी। वाई इज टीचर नॉट टीचिंग विद्यार्थियों को, मतलब स्टूडेंट्स इंग्लिश। वाई इज टीचर नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स इंग्लिश कक्षा में, इन द क्लास। एक विशेष बात आपको याद रखना है यहाँ पर मित्रों, कि जैसे आपने देखा होगा एक शब्द आया को, और इस को शब्द की जो अंग्रेजी थी, इस को शब्द की अंग्रेजी मैंने वाक्य में कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया। वाक्य में को शब्द की अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया मैंने, ऐसा इसलिए नहीं किया कि को शब्द की जो अंग्रेजी होती है वह को शब्द की कोई अंग्रेजी कहीं पर भी बिल्कुल प्रयोग नहीं की जाती है। को शब्द से के वाक्य में आने से एक चीज की सुविधा होती है, और वह यह होती है कि जिस शब्द के बाद को शब्द होता है ये कंफर्म होता है कि वही शब्द, उसके ठीक पहले वाला जो शब्द है वही ऑब्जेक्ट है। और अगर जिस शब्द के बाद ने का प्रयोग होता है, ने, तो उसके पहले वाला वाक्य हमेशा कर्ता होता है, यह भी हमको ध्यान देना है। आगे चलते रहेंगे तो आपको इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो जिस प्रकार से आपने जितने भी रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े हैं, ठीक उन्हीं रूल्स का प्रयोग करते हुए आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का को भी पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो रूल्स वहां थे वही सेम रूल्स यहां पर भी थे, अंतर है तो एकमात्र चीज का अंतर है, और वह है हेल्पिंग वर्ब। अगर वाक्य एकदम साधारण है तो आप कर्ता क्रिया कर्म रखिए, अगर वाक्य हाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये अंतर हो सकता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में साधारण वाक्य में हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, और जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चाहे जिस प्रकार का वाक्य हो हम उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करते ही हैं। और इसके साथ साथ जितने रूल्स, अगर बाकी के जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितने भी रूल्स हैं, सब एक समान हैं। अगर एकदम साधारण वाक्य है तो आप साधारण पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म रखिए, अगर नाट भी है तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद नाट का प्रयोग करिए, अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में है तो उस क्या के स्थान पर आप तुरंत पहले सहायक क्रिया का प्रयोग कर दीजिए फिर कर्ता का प्रयोग करिए, अगर वही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में पाया जाता है तो वहां पर सबसे पहले आप उसकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में रखेंगे, फिर सहायक क्रिया रखेंगे, फिर कर्ता रखेंगे, फिर क्रिया रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। इसी प्रकार से वाक्य, संपूर्ण वाक्य हल किए जाते हैं। और एक दो तीन उदाहरण हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में और पढ़ लेते हैं। जैसे रमेश किस दुकान में किताब खरीद रहा है? रमेश किस दुकान में किताब खरीद रहा है? प्रश्नवाचक शब्द आया किस, मैंने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस में, आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में वहां पर जाकर आप वहां पर इसको देख सकते हैं, और ये पिछले वीडियोज को आप देखेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। तो किस का मतलब अंग्रेजी जो इसका होता है विच। एक बात है
इसके बाद मैंने कहा था किस, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, ये सब अगर शब्द वाक्य में आ जाते हैं या किसका, किसकी, ऐसे शब्द वाक्य में आते हैं तो इसके बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई नाउन इनके बाद होता है और वह नाउन उसके साथ ही जोड़कर प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद प्रीपोजिशन हुआ, तो प्रीपोजिशन के बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया कि प्रीपोजिशन मतलब, प्रीपोजिशन मतलब यह जिस शब्द के बाद होता है ठीक उसी शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है। तो किस, दुकान, ये एक साथ है, तो ये एक साथ होने के बाद इसके बाद में आया है, तो इसका मतलब है कि यह इन दोनों के पहले प्रयोग किया जाएगा। मतलब इन विच दुकान, मतलब शॉप, इन विच शॉप। अब सहायक क्रिया, कर्ता की इकार्डिंग सहायक क्रिया, तो कर्ता रमेश मतलब एक वचन, मतलब यहां पर आया इज, इन विच शॉप इज रमेश खरीदना मतलब बाइंग, किताब बुक, किताब मतलब बुक, बस इन विच शॉप इज रमेश बाइंग बुक। मेरी बहन किसकी पुस्तक खरीद रही है, मेरी बहन किसकी पुस्तक खरीद रही है, किसकी पुस्तक मतलब होज पुस्तक बुक, इज माय सिस्टर, इज माय सिस्टर खरीदना मतलब बाइंग, होज बुक इज माय सिस्टर बाइंग, होज बुक इज माय सिस्टर बाइंग। अगले नंबर में मेरा भाई कितना दूध पी रहा है, मेरा भाई कितना दूध पी रहा है, कितना दूध मतलब हाउ मच मिल्क। इसके बारे में आप जानते हैं कितना, कितनी के लिए दो अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है और उस दो अंग्रेजी में एक होता है हाउ मच और जबकि एक होता है हाउ मेनी। हाउ मच आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन और हाउ मेनी मतलब काउंटेबल नाउन, मतलब दूध अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, तो हम दूध को नहीं गिन सकते, इसलिए यहाँ हाउ मच का प्रयोग हुआ। हाउ मच इज, हाउ मच इज मिल्क इज मेरा भाई, माय ब्रदर, हाउ मच मिल्क इज माय ब्रदर पीना मतलब ड्रिंकिंग, हाउ मच मिल्क इज माय ब्रदर ड्रिंकिंग। इसके बाद वे लड़के कितनी कलमें चुरा रहे हैं, वे लड़के कितनी कलमें चुरा रहे हैं। अब यहां एक माइनर चीजें, बहुत आराम की चीजें यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि वे के लिए आपने हमेशा अंग्रेजी प्रयोग किया होगा दे, वे के लिए हमेशा प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी दे, लेकिन जब इसके बाद वे या ये के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि इसमें एक इशारा करने का बोध होता है और वह इशारा करने का मतलब जैसे मैंने कह दिया वे बच्चे, तो वे का मतलब एक इशारा हुआ, तो वहां पर वे के लिए हम दे का प्रयोग नहीं करते बल्कि हम वहां पर वे के लिए हम प्रयोग करते हैं दोज। तो फिलहाल अभी तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है, पहले क्वेश्चन वर्ड से हम निपटते हैं। तो कितनी कलमे मतलब कि हाउ मेनी कलमे पेंस, हाउ मेनी पेंस। अब सहायक क्रिया आर, क्योंकि वे लड़के मतलब बहुवचन, हाउ मेनी पेंस आर वे लड़के मतलब कि दोज बॉयज,
दोज बॉयज, वे लड़के मतलब दोज बॉयज, ये लड़के मतलब दीज बॉयज, ये दिमाग में सेट कर कर करके रखना। तो हाउ मेनी पेंस आर दोज बॉयज चुराना मतलब स्टीलिंग, हाउ मेनी पेंस आर दोज बॉयज स्टीलिंग। इस प्रकार से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रत्येक रूल्स को प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ मिक्स करते हुए मिलाते हुए उसके अकॉर्डिंग समझते हुए आप ट्रांसलेशन को अधिक से अधिक ट्रांसलेशन को आप सॉल्व करते रहिए। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। आगे अगला जो टेंस चलता चलेगा अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद जो अगला टेंस होता है वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला टेंस है मित्रों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण काल यही टेंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वर्तमान पूर्ण काल का मतलब कि एक वर्तमान में चलने वाली व्यवस्था पूर्ण मतलब कि वो पूरी हो चुकी हो, वर्तमान की कोई व्यवस्था जो जस्ट अभी अभी पूरी हुई हो, जैसे वह खाना खा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, मैं खाना खा चुका हूं, या वे अपना काम कर चुके हैं, या उसने अपना काम कर लिया है, ऐसा कार्य जो ठीक अभी अभी समाप्त हुआ है। तो एक बात ये पहचान की बात हो गई। पहचान के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है सहायक क्रिया का। इसमें सहायक क्रिया पहले जब हम इसका इसके पहचान के बारे में बात करते हैं तो अब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, इसके साथ साथ कुछ कार्य जो अभी अभी खत्म हुए हैं उसमें जैसे कि आ है, ई है, जैसे कि वह गया है या गई है या आए आए हैं, मतलब कि वे इलाहाबाद से आए हैं, मैंने उन्होंने मुझे गाली दिया है, तो आ है, ई है, ए है, आ हूं या आ हूं, जैसे मैं इलाहाबाद गया हूं मतलब गया हूं, आदि शब्द आता है। कुल मिलाकर अगर हम सबका कंक्लूजन समझें तो उसका पूरा कंक्लूजन यही है कि कोई भी कार्य जो अभी अभी जस्ट कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है, वर्तमान में है और वर्तमान में होने के साथ साथ वह अभी अभी खत्म हुआ है, तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है इस प्रकार का वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, मतलब कि वर्तमान का ऐसा कार्य जो पूर्ण हो चुका हो, वर्तमान का कार्य जो पूर्ण हो चुका हो। इसमें सहायक क्रिया की भी आवश्यकता पड़ेगी, ये जाहिर सी बात है। तो यहां पर आया सहायक क्रिया जो इसमें प्रयोग की जाती है वह होती है हैव और हैज। इसके साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मित्रों आपको ये जानने की आवश्यकता है कि क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं, क्रिया की तीन अवस्थाएं होती हैं और उसी के अनुसार क्रिया की सभी अवस्थाएं अलग अलग टेंसों में अपने अर्थ के अनुसार, भावाभाव के अनुसार वे अलग अलग टेंसेज में प्रयोग की जाती हैं। एक फर्स्ट पर मतलब कि इसमें एक फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे हम कह दें गो, गो मतलब जाना, और इसकी दूसरी अवस्था होती है वेंट, तीसरी अवस्था होती है गॉन। अब इसको आप कहीं से भी नोट करें, जितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं वर्ब होते हैं सभी वर्ब का की तीन अवस्थाएं होती हैं। इनको आप अलग अलग प्रकार की किताबों में खोज सकते हैं, उनका लिस्ट बना सकते हैं, आप उनको मतलब याद कर सकते हैं, या आप जब लगातार ट्रांसलेशन को हल करते रहेंगे उससे लगातार
बने रहेंगे तो निश्चित रूप से जितनी प्रकार की क्रियाएं हैं उसकी तीनों जो अवस्थाएं होती हैं उन तीनों अवस्थाओं को आप आसानी से जान सकेंगे और उसे समझ सकेंगे। तो अब तक हमने देखा सहायक क्रिया आया हैव और हैज। इसके बाद मित्रों अगली जो व्यवस्था है इसमें हम देखते हैं कि जैसा कि दो सहायक क्रिया मिली, एक मिला हैव और एक मिला हैज, तो हैव और हैज का प्रयोग कहां किया जाता है ये हम जानेंगे। हम जैसे अगर करता है आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर है, आई वी यू के साथ कोई भी अगर यहां पर प्लूरल नंबर आ जाता है मतलब बहुवचन आ जाता है तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे क्या हैव। बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर यहां होता है ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए मित्रों हम प्रयोग करेंगे क्या हैज। ये आपको ध्यान रखना है। हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज बटन दबाकर आप इसको रोक सकते हैं, पूरा इसको लिख सकते हैं, और या जो चीजें मैं बोल देता हूं उसको आप अगर किसी कोई आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें लगती हैं आप उसको वहीं पर रोक कर आप उसे लिख सकते हैं, लिखकर आप फिर लगातार बनाते रहिए ट्रांसलेशन। अब क्योंकि बहुत अधिक हम इसके एग्जांपल्स को साल में नहीं करवा पाते, बहुत लंबा टाइम जाएगा, इस प्रकार आप एग्जांपल्स को आप घर पर ही सॉल्व करते रहिए और इसको पूरी तरह से आप समझते रहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर देखेंगे जैसे राधा आज स्कूल गई है, गई है मतलब अगर हम इसी को कह देते हैं जा चुकी है, जा चुकी है, तो यहां कोई अंतर नहीं है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। राधा आज स्कूल गई है, करता है राधा, गई है मतलब क्रिया, स्कूल मतलब कर्म, आज मतलब ये एक एडवर्ब है जिसका स्थान वाक्य के सबसे अंत में होता ही है। तो अब कर्ता को हम रखते हैं राधा। अब राधा चूंकि एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज, राधा हैज। जाना मतलब गो, गो मैंने अभी भी बताया कि गो की तीन अवस्था, गो, वेंट, गान, तो यहां पर होगा गान। राधा हैज गान स्कूल मतलब टू स्कूल, राधा हैज गॉन टू स्कूल टुडे मतलब आज, राधा हैज गॉन टू स्कूल टुडे। तुम मुझे गणित पढ़ा चुके हो, तुम मुझे गणित पढ़ा चुके हो, कर्ता तुम, ध्यान रखो दोस्तों यू, सहायक क्रिया है आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ है, यू हैव पढ़ाना, टीच तीसरी अवस्था, टाट गणित मतलब मैथ मैथमैटिक्स एम ए टी आई सी एस मैथमैटिक्स मुझे मतलब मी, यू हैव टाट मैथमैटिक्स टू मी, जो मी, या इसी मी को आप उठाकर यहां पर भी रख सकते हैं तो वहां आपको टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए उसमें एक ऑब्जेक्ट नाउन हो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो आप पहले प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट को रखेंगे बाद में नाउन वाले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और अगर अगर बाद में प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट आप रखते हैं तो वहां पर हम आपको टू का प्रयोग करना होगा, टू का प्रयोग। ठीक, अगले एग्जांपल में देखते हैं हम मित्रों, जैसे जैसे अगले एग्जांपल में हम देखते हैं कि मेरी बहन ने खाना
पकाया है। ठीक, मेरी बहन माय सिस्टर, हैज, क्योंकि मेरी बहन एक बच्ची, माय सिस्टर हैज, पकाना कुक्ड खाना फूड, माय सिस्टर हैज कुक्ड फूड। निगेटिव को अगर हम इसी में मिला देते हैं, चिड़िया आकाश में या आसमान में नहीं उड़ चुकी है, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ चुकी है, चिड़िया द बर्ड हैज नॉट, द बर्ड एक वचन उड़ चुकी है एक वचन, तो द बर्ड हैज नॉट फ्लाई फ्लू फ्लोन, द बर्ड हैज नॉट फ्लोन कहां आसमान में, इन द स्काई, इन द स्काई, द बर्ड हैज नॉट फ्लोन इन द स्काई। अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आ गया, इसे क्या किसान, क्या किसान ने अपने खेत का निरीक्षण किया है, क्या किसान ने अपने खेत का निरीक्षण किया है। निरीक्षण का मतलब देखना, देखभाल करना, मतलब हम यहाँ पर इसके लिए निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ पर हम इंस्पेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हैज फार्मर, हैज फार्मर इंस्पेक्टेड अपने खेत का, हिज फील्ड, हैज फार्मर इंस्पेक्टेड हिज फील्ड। मैंने कहा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में अगर आ गया क्या, तो हम उसकी अंग्रेजी न लिखकर उस वाक्य की सहायक क्रिया का प्रयोग हम वाक्य के शुरू में करते हैं स्टूडेंट्स। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया उस दौरान, जैसे चपरासी ने स्कूल में घंटी क्यों नहीं बजाई है, चपरासी ने स्कूल में घंटी क्यों नहीं बजाई है, तो अब क्यों की अंग्रेजी वाई, हैज द प्यून, वाई हैज द प्यून नहीं, मतलब नाट, बजाना रिंग रैंग रंग रंग, वाई हैज द प्यून नाट रंग, अब घंटी मतलब द बेल, वाई हैज द प्यून नाट रंग द बेल स्कूल में, मतलब इन द स्कूल, इन द स्कूल। ये रहा आपका ये वाक्य मित्रों। जैसे अगले एग्जाम्पल में हम आते हैं, जैसे महेश ने मुझे आज कहां देखा है, महेश ने मुझे आज कहां देखा है, कहां की अंग्रेजी वेयर, सहायक क्रिया हैज, कर्ता महेश, अब तुरंत क्रिया देखना मतलब लुक या सी, आप किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं लुकड, वेयर हैज महेश लुकड मुझे, मी आज मतलब टुडे, वेयर हैज महेश लुकड मी टुडे। अब अगला एक हम अगले कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे yes.
तुमने मुझे अपने घर क्यों नहीं बुलाया है। तुमने मुझे अपने घर क्यों नहीं बुलाया है। क्यों का मतलब वाई सहायक क्रिया है, क्योंकि कर्ता जो है कर्ता बहुवचन है मित्रों, तो वाई हैव तुमने यू अब तुरंत नाट वाई हैव यू नाट बुलाना मतलब काल उसकी तीसरी अवस्था काल कॉल्ड कॉल्ड वाई हैव यू नाट कॉल्ड मुझे मी अपने घर टू हिज होम टू हिज टू अपने मतलब योर टू योर तुम्हें मुझे अपने घर क्यों नहीं बुलाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे दोस्त ने किसकी कलम तोड़ी है। मेरे दोस्त ने किसकी कलम तोड़ी है। मेरे दोस्त ने मतलब अब यहां पर आया किसकी कलम, किसकी कलम मतलब कि हुज पेन सहायक क्रिया हैज मेरे दोस्त ने माय फ्रेंड हुज पेन हैज माय फ्रेंड तोड़ना ब्रेक ब्रोक ब्रोकेन ब्रेक ब्रोक ब्रोकेन तब हुज पेन हैज माय फ्रेंड ब्रोकेन ब्रोकेन हुज पेन हैज माय फ्रेंड ब्रोकेन तुमने आज कितनी शराब पी है। कितनी का मतलब हाउ मच अनकाउंटेबल है शराब ये आप जानते हैं। हाउ मच मेक मच शराब मतलब वाइन हैव यू पीना पीना की अंग्रेजी ड्रिंक ड्रिंक की तीसरी अवस्था ड्रंक आज आज का मतलब टुडे। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना सब इतना ही और अगले वीडियो में हम ट्रांसलेशन के लिए फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर मिलेंगे और हम ये आशा करते हैं आप सभी लोग इस मतलब ट्रांसलेशन को अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए लाइक करिए। कोई दिक्कत हो या कैसा आपको वीडियो लगा इसके बारे में कमेंट करिए। मैं उमेश मिश्रा फिर से अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार।